आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की बातचीत तो बाद में करेंगे, पहले डलवाना है पेट्रोल। तो पहले पेट्रोल डलवा के सीधा मिलते हैं आपको, क्योंकि इसके बाद वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा। तो चलो फिर पहले फिलहाल पेट्रोल डलवा के सीधा मिलते हैं आपको वापस जोई वाला। तो भाई आ चुके हैं वापस जोई वाला, और आज की बातचीत तो अभी कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक सोलो राइडर की ज़िंदगी यही है कि घर से निकलना है ऐसे सफ़र की तलाश में, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। तो फिलहाल तो अभी सफ़र तय नहीं हुआ, अभी तय करते हैं कहीं का सफ़र, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कुछ नया। क्योंकि अब तक आप लोगों को मैंने जो चीज़ दिखाई नहीं ही दिखाई, फिलहाल कुछ ढूंढते हैं नया आप लोगों के लिए। और गाइस अगली बार जो वीडियोज़ आएंगी ना, उसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस दिखाऊंगा, बाइक पे चलते हुए ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि ज़्यादातर प्लेसेस दिखाया करो आप, ज़्यादातर बाइक पर दिखाते हो। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। भाई जितना मुझसे होगा मैं उतना आपको बेस्ट अपना बेस्ट दूंगा, आप बस सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। और फिलहाल तो यहाँ पर लग गया है जाम बहुत तगड़ा। मांटे अच्छा है, और जो है ऐसा हो सकता है मैं आपको ना दिखाऊँ। देख लो भाई ये चल रहा पूरा कोरोना। मतलब पूरी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की पूरी धज्जियां उड़ा रखी लोगों ने। अब लोगों की क्या गलती है, दुकान वाले ही एक साथ ही दुकान खोल के खड़े हुए, वहाँ पर सारे इकट्ठे होंगे, पहले तो वो ही इकट्ठे हो रखे हैं वहाँ पर, वो गलत बात है। उत्तराखंड का सबसे पहला केस भी ऋषिकेश में ही आया था, और ऋषिकेश में ही यह हाल है भीड़ का। भीड़ अभी दिखाता हूँ आप लोगों को भीड़। चलो एक चीज़ तो अच्छी है कि यहाँ पर घाट वगैरह पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही, वरना वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर तो मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं लोग, वहाँ पर तो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। क्योंकि अब यार लोगों को भी तो पता है कि भीड़ तो होनी होनी है, तो इसलिए जाकर भी फायदा नहीं है। क्योंकि एक आधे को निकल गया तो मामला ख़राब हो सकता है ना वहाँ पर। अभी जैसे देहरादून पल्टन बाज़ार में हुआ,
मैं जाने आया हूँ नई रोड पर। मैंने 2-3 बार वो रोड देख ली और काफ़ी बार सोचा मैंने कि जाऊँ वहाँ पर जाऊँ, आज जाकर देखता हूँ वो रोड कैसी और कहाँ जा रही है। एक और नई चीज़ मैं आप लोगों को दिखा के आता हूँ। गाइस ऋषिकेश में पहले लक्ष्मण झूला और राम झूला थे, 2 ब्रिज थे, अभी तीसरा बन रहा है यहाँ पर। अभी नाम तो नहीं पता मेरे को इसका, बट ये 3rd ब्रिज जो है यहाँ पर बन रहा है और अभी तो काम चल ही रहा है यहाँ पर, आगे रास्ता भी नहीं है। और यहाँ से है वो रोड यहाँ पर मैं जाने की कोशिश कर रहा, वो रोड है यहाँ पर मैं आया नहीं कभी, हमेशा मैंने रोड देखी और सोचा कि मैं जाऊँगा। अभी आगे जाकर देखते हैं रोड पर है क्या और पता करते हैं किसे रोड जा रही है। देखो तो यहाँ से 2 रोड जा रही है, किधर और एक किधर, तो हम चलते हैं किधर। गाड़ी में पंचर ना हो गया शायद, फिर फील मेरे को ऐसा हो रहा है कि पंचर हो गया, बट हवा कम है, चेक कर लेते हैं एक बार, ज़्यादा कम है टी। ज़्यादा कम तो नहीं है बट शायद पंचर ना हो गया हो, क्योंकि मिचलिन के टायर में अगर पंचर हो गया तो समझ लो टायर खराब। मेरे साथ पहले भी 2 बार हो चुका है, मैंने पंचर लगवाया और पंचर लगवाने के बाद वो फैलते जाते हैं हमेशा। बाकी टायर तो बहुत बहुत अच्छा है, कौन से टायर का, तो भाई रोड तो ये बहुत सही है, बहुत सही रोड है यार। पता करते हैं भैया से कि रोड जा रही है। अंकल ये रोड कहाँ जा रही है? ये भी हमको मालूम नहीं, हमको भी जाना है। अच्छा नहीं पता आपको? अच्छा अच्छा चलो धन्यवाद। चेकिंग भी हो रही है, कोई रोके ना, पर एक बाइक वाले को तो रोक दिया जल्दी, इसलिए हम लोग करते हैं वापस। तो मैं कोई एक ब्लॉग ट्राई करके देखूंगा एक बार, अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग बताना कि मेरे को वही करना चाहिए, आप लोग बताना मेरे को कि वही करना चाहिए सुबह से शाम तक, या फिर ऐसे ही ब्लॉग चाहिए। क्योंकि सुबह मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को पूरा पूरा दिन दिखाऊँ, सुबह से शाम तक मैं शाम को एक राइड पर जाता ही जाता हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक
आदमी का मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि, और हम तो बाइकर हैं, हमें तो मतलब राइड चाहिए चाहिए एक दिन में, हम लोग अगर अपनी इन पे अपनी बाइक पे अगर एक राइड ना करें तो हमारा दिल नहीं जाता यार। अच्छा एक सुबह राइड चाहिए हमको एक शाम को, और उसके बाद अपने घर के काम वगैरह